उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स व ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन ने वार्षिक सम्मेलन आयोजित की गई। सम्मेलन में अध्यक्ष सुहेल अहमद, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री गिरी सावेर, चेयरमैन सोवेल अहमद ने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बिजनेस पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले बैंक घाटे में थी। पिछले साल 32 करोड़ का मुनाफा हुआ, इस बार 125 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। दिसंबर के अंत तक यह मुनाफा 130 से 140 करोड़ तक जा सकता है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय मंत्री व वित्तीय क्षेत्र के प्रभारी गिरी सावेर ने भी संबोधित किया और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। आज का कार्यक्रम उत्तर बिहार वर्कर्स एंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया था। इनका ये वार्षिक सम्मेलन है और इस वार्षिक सम्मेलन में मेरा आने का जो मेन मकसद था, इनका उत्साह बढ़ाना, इनको बैंक के बारे में बताना कि बैंक आपके कोऑपरेशन से ही आगे बढ़ने वाला है और इन लोग के कोऑपरेशन से ही बैंक आज के दिनों में बहुत अच्छे पोजीशन पर है। पहले जो हमारे पास लॉस रहते थे, पिछले साल 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस साल हाफ ईयर में 125 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उम्मीद है कि दिसंबर में ये 130 और 40 करोड़ के बीच में प्रॉफिट इसका रहेगा। मजदूर संघ कहाँ तक और कितना फेवर कर रहा है इस बार? मजदूर संघ काफ़ी, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था बिना उनके स्टाफ के कोऑपरेशन से नहीं चल सकता। अगर स्टाफ ही नहीं चाहेंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला नहीं है। तो ये जितने भी संगठन हैं, सबका संगठन का जो कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन के वजह से ये बैंक में इंक्रीज, बैंक का ग्रोथ हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण और उत्तर बिहार वर्कर्स एंड ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट है बैंक के ग्रोथ में। सर, गोल्ड लोन की सुविधा दी जा रही है बैंक की तरफ से? यस, गोल्ड लोन की सुविधा दी जा रही है। हमारी टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग कवर करते हैं, करीब 1.85 करोड़ हमारे कस्टमर हैं और 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में दो गोल्ड लोन की दो शाखाएं खोल रहे हैं। अभी तक करीब 12 शाखा खुल चुकी हैं और जो रजिस्टर्ड जो शाखा है, मुझे लगता है 15 डेज के अंदर में वो सभी शाखा खुल जाएगी। उत्तर बिहार में पहला गोल्ड लोन वाला ग्रामीण बैंक है? यस, ये फर्स्ट टाइम हम लोग गोल्ड लोन का स्टार्ट किए हैं और इसमें जो पुराने, अभी हमने 5 ब्रांच से हमने शुरुआत किया था, वो 5 ब्रांच में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। और ख़ासकर ये गोल्ड लोन का जो मकसद होता है कि आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, कोई इसका यूटिलाइजेशन नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उस गोल्ड को हम लोग गिरवी रखते हैं और उसके बदले में आपको पैसा दे देते हैं और वो भी एक 1 ग्राम में हम लोग करीब 4200 रुपया देते हैं। तो आपको जब भी किसी को भी ज़रूरत हो, चाहे ऐसे जेंट्स हो गए, चाहे लेडीज़ हो गए, शादी ब्याह का मौका हो गया, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हम गोल्ड लोन को शादी ब्याह में निकालते हैं, बाकी दिन घर में रखा, तो उससे बेटर है कि आप बैंक में रख दें और उसके बाद से आप उसका जो भी फंड यूज़ करना चाहते हो, उसके अगेंस्ट में जो भी आप बिज़नेस में लगाइए, अपने शादी ब्याह में लगाइए, अपने पढ़ाई में लगाइए, अपने घर बनाने में लगाइए। मेरा नाम सुहेल अहमद है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का मैं चेयरमैन हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर बैंक गोल्ड लोन से? गोल्ड लोन में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो एग्रीकल्चर लोन है उसमें 7% है और अदर देन एग्रीकल्चर लोन में हमारा 12% का लोन है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा ग्रामीण एरिया है, तो आप ग्रामीण पर्पज़ के लिए लीजिए, आप ग्राम 7% है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन है जो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो 4% में इंटरेस्ट में अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। 4% इज़ द वेरी वेरी लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी बैंक से काफ़ी लोन है? नहीं, बाकी बैंक का सबका अपना सिस्टम रहता है जो, हाँ, लेकिन हम लोगों ने, हम बहुत ही कॉम्पेरेटिव है। अगर हम हाउसिंग लोन में देखते हैं तो हाउसिंग लोन में वी आर द लोएस्ट अमंग्स ऑल बैंक्स, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स, दे आर ऑल्सो मच हायर देन व्हाट एज ए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वी आर चार्जिंग फॉर हाउसिंग लोन। सर, आज ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर बिहार जो भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, उसका त्रैवार्षिक अधिवेशन है। मैं गिरीश आर्य, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और वित्तीय क्षेत्र का प्रभारी हूँ, उस नाते मैं यहाँ इनके बीच आया हूँ। क्या कुछ उद्देश्य आज का बैठक का, आज के मीटिंग का? अरे, उद्देश्य तो जो है, ये हमारी जो है सांगठनिक कार्रवाई है, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, मगर जो है अभी 7 अक्टूबर को बैंक्स का बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है, 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है,
और वो सेटलमेंट ऐतिहासिक सेटलमेंट हुआ है। अभी तक जो बैंकों में सेटलमेंट होते थे उस सेटलमेंट से पहले बहुत सारी स्ट्राइक्स हो जाती थी, बहुत सारे एजिटेशंस होते थे, और ये सेटलमेंट ऐसा यूनिक सेटलमेंट है कि ये पहली बार मात्र 13 महीने में 50 घंटे के अंदर सेटल हुआ है और एवर हाईएस्ट 17% 3% लोडिंग के साथ बेसिक में और 1% एक्स ग्रेशिया के रूप में रिटायर्ड एम्प्लॉइज को भी इसमें प्राप्त हुआ है। मैं गिरीश आर्य, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय मंत्री और बैंकिंग, इंश्योरेंस और करेंसी कॉइन्स का प्रभारी।